हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब स्टडी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं, जो कि प्रेजेंट का थर्ड टेंस होता है। प्रेजेंट के चार टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखो दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। वैसे प्रेजेंट का सारा जो है प्रेजेंट टेंस पूरा इम्पोर्टेंट टेंस होता है, क्योंकि लगभग लगभग जो पैराग्राफ है, आर्टिकल है, ये सब जो है किस में लिखे जाते हैं, प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं। तो देखो, अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात जहाँ कर रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, आइडेंटिफिकेशन इसकी देखो, जिस सेंटेंस के अंत में चुका है, चुकी है इत्यादि मिले, जैसे राम ने खाना खा लिया है, तो लिया है यानी कि कर चुका है, खाना खा चुका है। हेल्पिंग वर्ब इसकी दो होती है, हैज़ और हैव। हैव तो आएगी आई यू वी दे के साथ, और बाकी सब के साथ क्या आएगा, हैज़ आएगा। जैसे ही सी इट नेम, मैंने कहा था कि आपको ही सी इट नेम ध्यान रखना है, और ही सी इट नेम के साथ हमेशा वो हेल्पिंग वर्ब आती है जिसके अंत में क्या होता है, एस होता है। अब देखिए, रूल हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, जहाँ भी आपको कार्य पूर्ण होने का बोध हो, पता लगे कि यहाँ कार्य पूरा हो चुका है, वहाँ आपको हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लेनी है, यूज़ थर्ड फॉर्म लेनी है। अब देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव मत सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य का फॉर्मूला मैंने एक ही बताया है कि हमेशा फॉर्मूला एक ही ध्यान रखिए, एस एच उसके बाद वर्ब में जो रूल है वो रूल रखो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला सेम ही रहेगा अफर्मेटिव सेंटेंस का, सभी टेंसेस का जो है फॉर्मूला सेम रहेगा, केवल वर्ब चेंज होती रहेगी, हेल्पिंग वर्ब चेंज होती रहेगी, क्योंकि वर्ब में ही दो चीज़ें शामिल है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, कविता पत्र लिख चुकी है, छोटा सेंटेंस है, अच्छा सेंटेंस है, तो इसको देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन यही बात करते हैं कि अपन सबसे पहले जो है सब्जेक्ट को लिखते हैं, तो अपन जो है सबसे पहले जो है क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। क्या लिखा अपन ने, कविता। क्या लिखा, कविता। अब कविता के साथ अपन हेल्पिंग वर्ब लेंगे। देखो, कविता नेम है, येरा नेम, और नेम के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, हैज़, तो कविता हैज़। ओके, फिर ऐसे आएंगे इधर से बनाते हुए, लिख चुका, लिखना की थर्ड फॉर्म, राइट रोट रिटन, थर्ड फॉर्म आपको मैंने पहले भी लिखा रखी है, राइट रोट रिटन, और फिर बाद में पत्र, ए लेटर। क्या लिखेंगे दोस्तों, ए लेटर। कविता हैज रिटन ए लेटर, कविता हैज रिटन ए लेटर। इसको पढ़े आप, ऐसे नहीं मैंने लिख दिया आपने देख लिया उतार लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिटर्न, रिटर्न की स्पेलिंग आपके दिमाग में फिट रहनी चाहिए, WRITEN, रिटर्न, ठीक है। अब देखिए इधर, सेकंड इसका जो है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में नोट आएगा, नोट का एक नियम है कि वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो देखो, कविता पत्र नहीं लिख चुकी है, तो कैसे बनेंगे, कैसे बनेगा ये, कविता हैज नॉट, कविता हैज नोट। देखो, उसमें था इजेमार के बाद नोट, उससे भी पहले वाले सेंटेंस में वो जो टेंस था इंडेफिनिट टेंस, उसमें डू डज के बाद में नोट था, इसमें हैज एव के बाद में नोट है, तो हैज नोट, और बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा ही, हैज नोट रिटन ए लेटर, ठीक है। राइटिंग आपको समझ में आ रही होगी। थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्या मिलता है आपको, क्वेश्चन मार्क मिलता है, और उस क्वेश्चन मार्क में आपको ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी सेंटेंस में, जैसे हैज कविता रिटन ए लेटर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, कविता पत्र लिख चुकी है, कविता पत्र नहीं लिख चुकी है, क्या कविता पत्र लिख चुकी है, क्या, यहां आएगा आपके हैज कविता और नोट,
हिज कविता नोट, क्या कविता नहीं लिख चुकी की स्पेलिंग क्या होगी, रिटर्न ए लेटर। क्या कविता पत्र नहीं लिख चुकी है, या क्या कविता ने पत्र नहीं लिखा है, कैसे भी बोल दो, हिंदी में बोलने के कई तरीके हैं लेकिन इंग्लिश उनकी क्या होती है, सेम ही होती है। फिर देखो अपन देखेंगे दूसरा सेंटेंस है रवि और मदन, क्या लिखेंगे, रवि और मदन। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, रवि और एंड मदन, नाम का फर्स्ट लेटर हमेशा क्या आता है, कैपिटल लेटर, तो रवि और मदन लिख लिया। इनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, क्या आएगी, है, क्या आएगी, है। नाश्ता कर चुके हैं तो टेक, टेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टेकन। ब्रेकफास्ट, नाश्ता क्या बोलेंगे, नाश्ते को ब्रेकफास्ट ही बोलेंगे ना। अब देखो इसमें सेकंड सेंटेंस में वही काम है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगी, क्या आएगा, नोट आएगा। तो रवि एंड मदन, रवि एंड मदन हैव नोट, क्या आएगा इसमें, हैव नोट टेकन ब्रेकफास्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। अब क्या रवि और मदन नाश्ता कर चुके हैं, तो क्या हैव पहले ले आओ, हैव रवि एंड मदन टेकन ब्रेकफास्ट। फोर्थ में हेल्पिंग वर्ब तो पहले, वो सब्जेक्ट के बाद में नोट, तो सब्जेक्ट कौन है, रवि एंड मदन। टेकन और ब्रेकफास्ट, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल लिखे हैं, एक में सिंगुलर है, देखो सिंगुलर ये वाले हैं सारे, इन सब के साथ सिंगुलर में क्या आएगा, हैज आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म्स मैंने आपको लिखा रखी है, इनके साथ जो हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा रखी है। जो थर्ड फॉर्म नहीं आती है आप उनको जो है डिक्शनरी में देख सकते हैं, डिक्शनरी में आपको मिल जाएगा, लेकिन उसकी फर्स्ट फॉर्म पता होनी चाहिए तभी मिलेगा डिक्शनरी में, ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है। और मोस्टली जो 97% जो वर्ब होती है उनके अंत में ईडी लगने से क्या बन जाता है, थर्ड फॉर्म बन जाता है। और कई थर्ड फॉर्म तो अपन को लर्न है, अपन पढ़ते आए हैं। तो देखो मैं आज आपको थोड़ा सा एक होमवर्क भी दे देता हूँ, थर्ड और फोर्थ सेंटेंस, जैसे कमल, क्या लिखा मैंने, कमल घर जा चुका है, मैं पाठ याद कर चुका। याद करना की स्पेलिंग मैं लिखा रहा हूँ आपको, लर्न, और लर्न में क्या लगा देना, आप ईडी लगा देना। घर जा चुका, जाना की स्पेलिंग गो होती है, इसके थर्ड फॉर्म क्या बना देना आप, गोन, क्या बना देना, थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये दोनों सेंटेंस मैंने लिखा है, इनके चार चार सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये आपको खुद को बनाना है। जैसे मैं इनके आंसर्स बोल भी रहा हूँ, आप कैच करने की कोशिश करना। कमल हैज गोन टू होम, कमल हैज नॉट, बाकी सेंटेंस वैसा वैसा, ठीक है, दो सेंटेंस बोल दिए और बाकी तो इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव आप बना लोगे। आई के साथ आएगा हैव, लर्न और लर्न में ईडी लगा देना। आप टी भी लगा सकते हैं, डी भी, ईडी भी लगा सकते हैं। और पार्ट लेसन, क्या लिखेंगे,